अभी हम लोग बनाने वाले हैं सत्तू की रोटी और बैंगन का भरता। हेलो नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हो व्लॉगर भारती। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ऐसा है कि मतलब अभी रात के बज रहे हैं 9:45 हो रहे हैं और आज जो है कि मैंने बोला है कि आज खाना मैं बनाऊँगा सत्तू की रोटी और बैंगन का भरता। अब इस समय पूरे इंडिया में जो है कि लॉकडाउन हो रखा है। अब ऐसे में हम लोग सोच रहे हैं कि यार क्या करें, घर में मन नहीं लग रहा है, मतलब क्या करें क्या नहीं करें। कई लोग ऐसा बोल रहे हैं, मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि यार समझ में नहीं आ रहा क्या करें भाई, पूरे दिन घर में बैठे बैठे। तो भाई ऐसे में है कि अपने आप को टाइम दो, अपने फैमिली को टाइम दो, अपने दोस्तों को टाइम दो। आपको अगर लगता है कि आप कुछ मतलब बनाने में एक्सपर्ट हो तो आप अपने फैमिली को बोलो कि आज भैया मैं बनाऊँगा, आज ये सब्जी पनीर मैं बनाऊँगा या फिर बैंगन का, जैसे बैंगन का भरता मैं बना रहा हूँ, ये मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। तो ऐसा आपको कुछ आता होगा, ज़रूर आता होगा। आप वो बोलिए, अपने फैमिली को बोलिए कि आज आप लोग आराम करो, अपने वाइफ को बोलिए, अपने अपनी मम्मी को बोलिए, बहन को बोलिए, जो भी है घर में उनको बोलिए कि आज आप आराम करो, आज खाना मैं बनाऊंगा। और सबके लिए खाना बनाइए, प्यार से बनाइए, बातें करते करते बनाइए। तो ये जो टाइम है अभी, इस टाइम में ऐसे ही हम लोगों को मतलब फैमिली के साथ मिल के एक साथ रहना है। अगर आप बैचलर रह रहे हो, बैचलर हो आप और ये ब्लॉग देख रहे हो, तो अपने दोस्त को बोलिए कि आज खाना तेरा भाई बनाएगा। मेरा बैंगन अभी पक रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। कल जो है कि हमारा ब्लॉग मैंने अचानक से रोक दिया, सत्तू के पराठे और बैंगन का भरता तक तो मैंने आपको बताया था, लाजवाब बना था, बहुत अच्छा बना था। उसके बाद से अचानक से पता नहीं क्यों मेरे सर में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगा। तो आज अभी 27 मार्च और दिन काफ़ी अच्छा है, धूप है नहीं बाहर, बारिश हुई है यहाँ पे गाजियाबाद में और काफ़ी अच्छा लग रहा है बाहर का जो मतलब वेदर है। धूप नहीं है, गर्मी नहीं है, आज बारिश हो रखा है। अभी जो है कि 21 दिन का टाइम है अपने पास, अपने शरीर पे काम कीजिए। देखिए अभी कहीं जाना तो है नहीं बाहर, तो ऐसे में जो कि फिज़िकल एक्टिविटी जो है कम हो जाएगी ऑब्वियसली। तो आप खाना अगर ज़्यादा खाओगे तो भैया मतलब तरह तरह की बीमारियाँ होने के चांसेस रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, फैट बढ़ जाएगा। ऐसे में जो मेरी तरह के लोग हैं, जो मेरे जैसे हैं, जो पहले से ही मोटे हैं, उनके लिए तो भैया और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। तो 21 दिन का टाइम है, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, बहुत बढ़िया बात है। बट मेरे जैसे जो लोग हैं जिनके पास कई बहाने होते हैं एक्सरसाइज ना करने के, कि यार सुबह रात में लेट सोया था, सुबह जल्दी नींद नहीं खुली, ऑफिस जाना था, बहुत काम था, इस तरह के जिनके पास बहाने हैं ना, तो अभी 21 दिन का टाइम है आपके पास। 21 दिन कहीं नहीं जाना, घर में ही रहना ना। तो घर में अपना बाबा रामदेव जो बताते हैं प्राणायाम, वो कर लो, अनुलोम विलोम वगैरह जो भी वो बताते हैं, आपको जो अच्छा लगे एक्सरसाइज कर लो। आजकल सुबह उठने के बाद दो चीज़ें जो हैं कि मैंने स्टार्ट करा है, एक तो ये हो गया रोस्टेड फ्लैक्सीड हो गया, मैंने ये अपोलो से लिया था, और जो कि मतलब फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, इसमें काफ़ी भरपूर मात्रा में होता है और ये काफ़ी अच्छा है हमारे बॉडी के लिए। तो अभी मैं इस चीज़ को ले रहा हूँ। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो मैंने स्टार्ट करा है वो है एक्सरसाइज। मैंने कुछ जो है कि बहुत पहले मंगवाए थे फ्लिपकार्ट से, डंबल मैंने मंगवाए थे, हालांकि कुछ दिन किया मैंने, फिर वही अरे यार टाइम नहीं मिल रहा है, तो उस चीज़ में फिर ये चीज़ रह जाता है एक्सरसाइज। बट अभी जो है कि 21 दिन है, अपने आप पे काम करिए, अपने शरीर पे काम कीजिए, है ना। अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, घर का खाना खाइए, बाहर का तो वैसे भी नहीं मिल रहा है, बट ये कुरकुरे चिप्स वगैरह ज़्यादा मत खाइए बाहर का, और घर का हेल्दी खाना खाइए और एक्सरसाइज कीजिए। आज के लिए इतना ही, आज के लिए एक्सरसाइज भी इतना काफ़ी है और ब्लॉग भी बस इतना ही। तो इस तरह से आप लोग भी अपने घर पे हेल्दी खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए और ख़ुद को बिल्कुल फिट रखिए। और भैया बोर होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास यूट्यूब है, टीवी देखिए, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, अमेज़न प्राइम है, ये सब चीज़ें देखिए। चलिए वो सब अगर नहीं है नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम, यूट्यूब तो है, यूट्यूब पर देखिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं जो अपनी वीडियोस ला रहे हैं आपके लिए। मेरे चैनल को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। तो देखते रहिए हमारे चैनल को ब्लॉगर भारती। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।